हेलो फ्रेंड्स, एलिगेशन मिक्सचर का टॉपिक जो आपने टेस्ट में किया था सीरीज़ में, उसका आंसर करने वाले हम लोग अभी। देखो, एलिगेशन मिक्सचर में जो बेसिक है वो बस इतना कि जब भी आपके पास तीन नंबर हो, सपोज आपके पास, यदि मैं क्वेश्चन में ऐसे कह दूं कि 20 रुपये किलो आपने, सॉरी 25 रुपये किलो, सपोज करो मैंने ये कहा आपसे क्वेश्चन कि मैंने 25 रुपए किलो, 25 रुपीज पर किलो कॉस्ट का एक, अरे चल क्यों नहीं रहा ये, ट्वेंटी फाइव रुपीज पर किलो कॉस्ट का एक गेहूं लिया, 30 रुपीज पर किलो, ये 25 रुपए पर किलो है, एक 30 रुपए पर किलो है, दोनों को मिला दिया। अब जो क्रॉस प्राइस बना वो 28 रुपीज का बन गया। तो जब भी दो चीजों को मिलाने से एक तीसरा चीज बन रहा हो, उसे हम एलिगेशन कहते हैं, एलिगेशन इन मिक्सचर। जब भी दो चीजों को बनाने से एक तीसरा चीज बने तो उसे हम एलिगेशन इन मिक्सचर कहते हैं। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में तीन नंबर आपके पास होंगे, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, और जो ये नंबर होगा बीच में, उन तीनों में एक नंबर ऐसा होगा, मतलब इस बीच में आप ऐसे नंबर को रखोगे जो एक से बड़ा, देखो 25 से बड़ा और एक से छोटा हो, मतलब 25 और 30 के बीच में कहीं पे लाई करता हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एकदम एकदम बीच में नहीं, कहीं भी 25 से बड़ा हो, 30 से छोटा हो, मतलब आपके पास तीन नंबर कभी भी ऐसे मिल जाएं जो एक, वो एक नंबर, ये एक नंबर एक से बड़ा और एक से छोटा हो, तो आप आंख बंद करके एलिगेशन मिक्सचर वहां पे लगा दो। 25 और 28 का डिफरेंस क्या होगा साहब? 3। 30 और 28 का क्या होगा? 2। 2:3। इस रेशियो में दोनों गेहूं को मिलाया गया। यदि मैं आपसे पूछता कि बताओ 25 रुपए पर किलो और 30 रुपए पर किलो वीट को, गेहूं को मिलाया गया और मिलाने से वो 28 रुपए पर किलो का बन गया, तो उनका रेशियो क्या है? 2:3 है। समझ गए आप इस बात को? चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इन वॉट रेशियो मस्ट अ मिक्सचर ऑफ 30% एल्कोहल स्ट्रेंथ बी मिक्सड विद 50% एल्कोहल स्ट्रेंथ टू गेट 45%। देखा क्या कहा कि एक एल्कोहल है जो 30% है जिसमें एल्कोहल, और एक दूसरा एल्कोहल है जो 50% जिसमें एल्कोहल है। एक मिक्सचर है जिसमें 30% एल्कोहल और एक दूसरा जिसमें 50% एल्कोहल। कह रहा है इन दोनों को किस रेशियो में मिलाएं, किस अनुपात में मिलाएं कि जो मिलने पे 45% अल्कोहल हो, 45% अल्कोहल हो। हमें एक नंबर मिल गया ना जो एक से बड़ा और एक से छोटा है, एलिगेशन लगा दो। इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखो कितना आएगा? 15। और इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखो कितना आएगा? 5। काट दो, 5 एकम 5, 5 3 15, 1:3 है क्या ऑप्शन में? यस, बी इज द आंसर। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। एक कंटेनर कंटेन्स 60 kg ऑफ मिल्क। एक कंटेनर में 60 kg मिल्क है। फ्रॉम दिस कंटेनर 6 kg, देखो ये कंटेनर है ऐसा, इसमें 60 किलो दूध भरा हुआ है, यहां पूरा दूध भरा हुआ है इसके अंदर। कह रहा है इसमें से 6 kg दूध निकाल लिया, ठीक है, वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वॉटर, और कह रहा है इतना ही पानी इसमें मिला दिया गया 6 किलो, तो ये तो पूरा भर गया ना फिर से। 6 किलो दूध निकाला और 6 किलो पानी फिर से मिला दिया, तो भाई ये टंकी क्या होगा, ये जो कनस्तर है ये पूरा भर जाएगा, जितने वो बर्तन जो है ये फिर से पूरा भर जाएगा। दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड फर्दर 2 times, इसे 2 बार और किया गया, यह प्रक्रिया लगातार 2 बार और की गई। द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर, तो बताओ अब इसमें मिल्क कितना रहेगा? क्यों? क्योंकि पानी भी तो मिल जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो आपको कुछ नहीं करना, टोटल कितना है 60 kg, नीचे लिख लो 60। इसमें से जब 6 किलो दूध आपने निकाल लिया तो कितना बचा? 54 किलो। इसको काटो, 6 कम 6 0, 6 निम 54, 9/10 आ गया, ठीक है। 2 बार और किया गया, तो 2 बार तुम इसी रेशियो से और मल्टीप्लाई कर दो, 3 बार कहता तो 3 बार करते, 2 बार कहा है तो 2 बार और कर दिया, तो कितना आ गया? 9 में 81 निम में 729, और नीचे क्या आ गया? 1000। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, मैंने आपको परसेंटेज में बताया था
कि हमेशा जब भी अपॉन होता है फ्रैक्शन, तो नीचे क्या होता है टोटल और ऊपर होता है रिजल्ट, ठीक है। तो ये जो नीचे टोटल है 1000, तो ये कह रहा है जब जब 1000 kg होगा ना, उसमें अब 729 लीटर पानी बचेगा, लेकिन जो तुम्हारा ये जो बर्तन है कदस्तर कंटेनर, इसमें कितना पानी दूध है, 60 किलो, ये 60 किलो का है ना, तो ये नीचे जो ये 1000 है 60 होना चाहिए था, इसको 60 बना लो, कैसे, 60/1000 मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर भी कर दो 60/1000, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर, देखो नीचे तो 60 ही आ गया, ऊपर क्या आएगा, ये 0 0 कट गया, इसको मल्टीप्लाई करो, 9 6 54, 5 6 2 12 और 5 17, 1 6 7 42 1 43, और 2 0 है तो पॉइंट लग जाएगा यहां पे। तो अब ये क्या आया, 60 लीटर का तुम्हारा कंटेनर, इसमें से मिल्क ऊपर मिल्क लेके चले थे, तो कितना बचा, 43.74 मिल्क है, तो बाकी जो बचा वो क्या है, वाटर है, घटा दो, तो 10 में से 4 गया 6, 60 में से 43.74 माइनस करो, ठीक है ना, 2.26 है क्या किसी में, 60 में से 43.74 माइनस करोगे ना, तो 10 में से 4 गया 6, 2, 9 में से 3 गया 6, 5 में से 4 गया 1, अरे क्या है, द अमाउंट ऑफ मिल्क, अच्छा मिल्क पूछ रहा है भाई, मिल्क तो इतना है ना, ये लो मिल्क इतना है, यदि हमें पानी पूछता तो होता 16.26, ठीक है, ये आ गया, समझ गए क्या, कि पहले हम जितना था कंटेनर वो लिख लिया, 6 लीटर दूध निकाल लिया, तो दूध अब इतना बच गया, काटा 9/10, अब ये प्रक्रिया 2 बार और की गई, तो 2 बार मैंने और मल्टीप्लाई कर दिया 9/10 से, तो 729/1000 आ गया, इस 1000 को मुझे 60 बनाना है, क्योंकि मेरा ओरिजिनली ये 60 है, तो ऊपर भी क्या मल्टीप्लाई 60/1000 से, तो ये आ गया, तो 60 में से इतना दूध है, बाकी जो बचा वो मिल्क है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, टू टाइप्स ऑफ टी कॉस्टिंग 180 रुपीज पर केजी और 280 रुपीज पर केजी, जो T1 है ये 180 रुपए प्रति किलो है, और जो T2 है ये 280 रुपए प्रति किलो है, इन वॉट रेशियो शुड दीज बी मिक्सड, इनको किस रेशियो में मिलाया जाए सो दैट ओबटेन मिक्सचर सोल्ड 320 रुपए पर किलो टू अर्न 20% प्रॉफिट। भाइयों ये कहता है 180 रुपए प्रति किलो कॉस्ट का एक टी था, दूसरा कॉस्ट का टी 280 रुपीज पर किलो था, इन दोनों को मिलाया, और मिलाने पे जो यहां पे बनेगा ना उसको 320 रुपए पर किलो पे बेचा है, तो तुम्हारा देखो एक्चुअली एक सीपी है क्रय मूल्य, तो तुम्हें यहां पे क्रय मूल्य लिखना होगा, यदि तुमने 320 लिख दिया ना गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है, अब 20% प्रॉफिट हुआ है, तो इस प्रॉफिट की सहायता से हम यहां पे सीपी लिखेंगे, देखो ये सीपी है ये सीपी है, तो यहां पे सीपी ही लिखना पड़ेगा आपको, ये कॉस्ट प्राइस रहेगा सेलिंग प्राइस रहेगा, सेलिंग प्राइस तो यहां सेलिंग प्राइस लिखोगे, तो अभी तो ये दोनों कॉस्ट प्राइस है, तो मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो ये 320 और 20% प्रॉफिट के हेल्प से हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। देखो मैंने क्या सिखाया था आपको प्रॉफिट लॉस में, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य एसपी विक्रय मूल्य, तो 20% लाभ का मीनिंग क्या है, 5 की चीज को कितने में बेचेंगे, 6 में, लेकिन बेचा कितने में है, 320 में, प्रॉफिट लॉस में सिखाया था मैंने आपको ये, तो ये कितने से मल्टीप्लाई करें, 6 में कि 320 बन जाए, 6 5 30, 6 चौके 6 5 30, और ओहो नहीं, कटेगा ऐसे, 620 है ना, 5 की चीज को 6 में बेचा है, तो इस 6 को 320 बनाना है, तो क्या करो 320 से गुना कर दो, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो और 6 से डिवाइड कर दो, यही यहां भी करो, तो क्या आएगा 5 × 320/6, तो काट दो इसे, 2 3 6, 2 1 2, 2 6 12 0, ठीक है, 16 5 80 और 0 / 3 आएगा ये, समझ गए, तो जो ये तुम्हारा यहां पे वैल्यू आया 800/3 आया, ठीक है, ठीक है, तो आपका जो ये आया 800/3, ये 800 है, ये 800/3, अब इन दोनों का डिफरेंस तुम कहां लिखोगे, यहां पे, तो 800/3 में से 180 माइनस करो, कितना आएगा, 18 54, 540 ना, तो 540 में 800 मिस जाएगा, तो कितना आएगा 260/3, इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखो, तो इस टाइम जो है तुम्हारा ये बड़ा है ना, तो 28 3 3 6, तो आ जाएगा वो तुम्हारा 840 और 800, यानी ये 40/3 आएगा डिफरेंस, ठीक है। अब देखो ये रेशियो आ गया, 3 3 कट गया, 0 0 कट गया,
दो दुनी चार, दो एकम दो, दो तीय छः, 2:13, 2:13। अ वेसल कंटेन 60 लीटर ऑफ मिल्क, 12 लीटर ऑफ मिल्क टेकन आउट फ्रॉम इट, 12 लीटर निकाल लिया गया एंड रिप्लेस बाय वाटर, देन अगेन फ्रॉम द मिक्सचर 12 लीटर आर अगेन टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। बहुत ईजी, अभी करवाया था। देखो ये 60 लीटर का कंटेनर है, तो 60 लीटर का कंटेनर, इसमें से 12 लीटर निकाल लिया तो 48 बच गया, काट दो 12 चौके 48, 12 पंचे 60। ऐसा और कितनी बार किया, द अगेन मिक्स फ्रॉम मिक्सचर 12 लीटर आर अगेन टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर, एक बार और किया गया, तो एक बार और कर दो, तो कितना हो गया 16/25। लेकिन अब जो ये नीचे टोटल आया 25 आया, जबकि टोटल रियल में कितना है 60, इस 25 को 60 बना लो, 60/25 से मल्टीप्लाई करके, तो यहां भी कर दो 60/25। देखो इस 25 को मुझे 60 बनाना था, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी 25 से डिवाइड कर दिया, ये कट जाएगा और 60 आ जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो क्या आ गया नीचे, तो आ गया तुम्हारा, नीचे तो तुम्हारा आ गया ये 60, और ऊपर कितना आएगा मल्टीप्लाई करो, 5 से काटे दोनों, 25 72, 2 7 12 7 19 5 देख लो, 192, 5 × 60 आ जाएगा, काट दो, 2 × 18 2 × 6 12 और ये 30 आ जाएगा, फिर काटो, 3 × 3 9, 3 × 2 6, 3 × 3 0, 2 × 5 10 16, 16/25 है क्या, 16, और ये क्या आ गया, कुछ रॉन्ग कर दिया क्या, 12 लीटर निकाला, तो 12 लीटर निकाला तो कितना बच गया, 40 10 50 60, हाँ ठीक है, 4/5, एक बार फिर किया 4/5, 16/25, तो ये 16/ कितना आया 25, ठीक है ना। तो अभी हमसे क्या पूछता है कि रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो मुझे क्या था कि ये चाहिए था मुझे 60। देखो सुनो, थोड़ा सा मैंने, नींद भी आ रही है, रात के 3 बज रहे हैं लगभग, अरे मिट जा भाई, क्या हो रहा है, चलो मैं नीचे करता हूँ इसको, कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे कर देता हूँ। 60 लीटर का तो ये कंटेनर है, ठीक है, 60 लीटर का, 12 लीटर निकाला और उतना ही पानी मिला दिया, तो यदि ऐसा है तो 60 नीचे लिखोगे, 12 निकाल लिया 48 बचा, काटा 12 चौके 48, 12 पंजे 60, एक बार ऐसा और किया था तो 4/5, 16/25, 25 में अब 16 दूध है, लेकिन आपका तो 60 है ना टोटल, तो इस 25 को 60 बना लो, 60/25 से, तो 60/25 नीचे भी करो ऊपर भी करो, ठीक है, तो नीचे तो 60 आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा काटोगे तो इससे 5/25 और ये 5×5 15×10, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 16 × 2 = 32, 3 16×16 = 19, ठीक है, और नीचे 5 है तो 5 ऊपर ही है। अच्छा इस 5 को हमें हटाना नहीं है, यही गलती कर रहा था मैं, नीचे हमेशा 60 ही रहने देना, इस 5 को नीचे, ये जो 5 डिवाइड में है उसको यहाँ नहीं लाना है, क्योंकि ये फिर चेंज हो जाएगा वैल्यू, इसको चेंज नहीं होने देना, ये तो हमारा 60 है ना, ये 60 ही रहना चाहिए, इसको काटो, 5 × 3 = 15 4 2 5 × 8 = 40 5 × 4 = 20 / 60। तो देखो 60 में से दूध कितना है 38.4, तो वाटर कितना होगा 60 में से माइनस कर दो 6 1 और 5 में से 3 गया 2 21.6 पॉइंट पॉइंट देखो गया, काट लो छोटा कर लो, 2 × 2 2 × 18 2 × 2 = 4 2 × 2 = 0 2 × 8 = 16 2 × 18 2 × 6 = 12 2 × 5 = 10 2 × 4 = 8 2 × 4 = 8 2 × 8 = 16 2 × 2 = 8 2 × 7 = 14 3 से काट दो 16 × 3 = 48 3 × 9 = 27 16:9 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5, 10 kg ऑफ वीट प्राइस ₹8 मिक्स्ड विद, देखो 10 किलो ₹8 के हिसाब से तो कितना हो गया ₹80 का, 15 kg ऑफ वीट प्राइस ₹10 और एक है जो ₹15 पर किलो है और कितना 15 kg ₹10 पर किलो है तो 10 से मिला दिया तो आ गया ₹150। व्हाट इज द एवरेज प्राइस ऑफ द होल मिक्सचर,
तो इसका होल मिक्सचर का एवरेज प्राइस क्या होगा, तो टोटल प्राइस क्या हो गया देख लो, 150 प्लस 80 अपॉन टोटल किलो कितने हो गए, नीचे हम एवरेज का मीनिंग क्या होता है, टोटल का सम नीचे टोटल का वैल्यू, तो आपका कितना हो गया देखो, 150 और 80 कितना हो गया, 150 और 80 ऐड कर दो, 0 150 150 200 230 हो गया ना, अपॉन टोटल किलो कितना है, 10 किलो ये, 15 किलो ये, 25 किलो, ठीक है, डिवाइड कर दो, यही आंसर होगा। तो 25 से काटोगे तो 25 अट्ठे 200, ठीक है, बचेगा कितना 30, 25 निम काटो ना, 25 निम 225, 5.25 दूनी 50, ये आ गया। छठे पे आ जाओ, इन एन अलॉय एक मिश्र धातु है 12% ऑफ कॉपर, देखो एक मिश्र धातु है जिसमें कॉपर मिला हुआ है और दूसरा कुछ मिला हुआ है हमें नहीं पता, एक्स मिला हुआ है, कहता है देयर इज 12% कॉपर, 12% कॉपर है, तो बाकी 100% में से 12% कॉपर है, तो और कितना बचा, 100 में से 12 माइनस करो कितना बचा, 88, टू गेट 69 kg ऑफ कॉपर, यदि मुझे 69 kg कॉपर चाहिए, हाउ मच अलॉय विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है, देखो यदि 100 किलो है तो उसमें 12 किलो क्या है कॉपर और 88 किलो कुछ दूसरा है, हमें 69 चाहिए, ये जो कॉपर है ये 69 चाहिए, तो क्या करोगे इसको 69 बनाने के लिए, 69/12, तो टोटल में भी कर दो 100 में, 100 69/12, 4 से काटो, 4 3 12 और ये 25, 3 से काटो, 3 2 6, 3 3 9, तो कितना आएगा, 25 × 23, 25 3 75, 7 25 2 50 और 7 57, 5 75, इजी। नेक्स्ट आ जाओ, अ मिक्सचर कंटेन स्प्रिट एंड वाटर, देखो एक मिक्सचर है जिसमें स्प्रिट भी है और वाटर भी है, किस रेशियो में, 3:2 में, इफ इट कंटेन्स 3 लीटर्स मोर स्प्रिट, यदि इसमें जो स्प्रिट होता वो 3 लीटर ज्यादा होता, द क्वांटिटी ऑफ स्प्रिट इन द मिक्सचर, तो रेशियो क्या होता, ये कह रही है, देखो तो स्प्रिट था 3 और वाटर था 2, इस रेशियो में है, तो देखना वाटर वाटर से स्प्रिट कितना ज्यादा है, 1:1, यानी लीटर में कहोगे तो 3 लीटर ये, 2 लीटर ये, तो एक स्प्रिट कितना ज्यादा है, 1 लीटर, क्वेश्चन कहता है यदि 3 लीटर ज्यादा होता तो इसको 3 बना लो, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 यहां भी मल्टीप्लाई होगा, 3 यहां भी होगा, देखो ये 9 ये 6 हो गया ना 3 लीटर ज्यादा, अब स्प्रिट तो स्प्रिट कितना है, 9 लीटर, लगा दो आंसर। एट्थ क्वेश्चन, 40 लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, एक मिक्सचर है जो 40 लीटर का है, इसमें मिल्क भी है और वाटर भी है, ठीक है, एंड वाटर कंटेन 10% वाटर, भाई 10% वाटर यानी 90% क्या होगा, मिल्क होगा, द वाटर बी एडेड टू मेक द वाटर कंटेंट 10% 20%, कह रहे इसमें कितना हम पानी मिला दें, जिसको मिलाना हो ना उसको अंडरलाइन कर लो, ऐसे कर लो कि ये 20% हो जाए, तो भाई यदि 20% वाटर होगा तो 80% क्या होगा, मिल्क होगा, ठीक है, अब बस इसका रेशियो निकाल लो भाइयों, ये काटो ये काटो, 2 × 2 2 × 8, समझ गए, तो एक्चुअल में मिल्क एंड वाटर है, पहले ये 9:1 में था, 9:1, अब कहता है इसमें कितना वाटर मिला दें कि ये रेशियो हो जाए 4:1, ठीक है, तो आप एक बात बताओ, आपने वाटर मिलाया है ना, मिल्क तो आपने ना मिलाया और ना निकाला, मिल्क तो ना मिलाया है ना निकाला है, तो मिल्क तो पहले जितना था उतना ही बाद में होना चाहिए था, दोनों सेम होना चाहिए था, इन दोनों को सेम कर लो, देखो कैसे करोगे, 9 2 9 4 36, 9 × 36, 9 9 से कर लो, कोई नहीं, 9 यहां मल्टीप्लाई करो, 4 वहां कर दो, तो 4 यहां भी करो और 9 यहां किया तो यहां भी करो, तो देखो ये 36 36 हो गया, जितना पहले था उतना बाद में, ये क्या आ गया 4 और 9, तो कितना मिल्क वाटर ऐड हुआ है, 4 से 9 हो गया, 5:1 ऐड हुआ है, वाटर जो है वो कितना रेशियो ऐड हुआ, 5:1, और इनिशियली देखो ये 36 है और ये कितना है 4, 36 और 4 कितना रेशियो था, ये टोटल 40:1 था टोटल, तो इनिशियली 40:1 था और लीटर में कितना था पहले 40 लीटर, तो 40 लीटर, तो एक आर की वैल्यू आ जाएगी 1, आर की वैल्यू 1, वो 1 यहां रख दो,
तो कितना ऐड हुआ, आर की वैल्यू वन रखोगे तो 5 लीटर, 5 लीटर है क्या? नाउ क्या कहता है, 80 लीटर ऑफ मिक्सचर, एक मिक्सचर है जो 80 लीटर है और इसमें मिल्क भी है और वाटर भी है। द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ मिल्क टू अमाउंट ऑफ वाटर वो है 7:3। इन इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो 2:1, हमें इसको 2:1 करना है, ठीक है? तो इसमें कितना वाटर मिला है वो ये कह रहा है। फिर से वही, आपको वाटर मिलाना है ना, मिल्क तो ना आपने निकाला है ना मिलाया है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो 2 यहां मल्टीप्लाई कर दो, 7 यहां कर दो, इक्वल हो जाएंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 यहां मल्टीप्लाई किया तो यहां भी करो, 7 यहां किया तो यहां भी करो। तो रियल में जो ये रेशियो है एक्चुअली वो ये है, क्या आ गया, 7 × 14 = 6 और आपको चाहिए 14:7, ठीक है? तो देखो तो कितना रेशियो ऐड हो गया वाटर का, वाटर मिलाना था 1:1 और इनिशियली 14:6 = 20, 20:1 था जो कि लीटर में है 80 लीटर, 80 काट दो 24 जा, आर की वैल्यू 4 यहां पे पुट कर दो, तो 1 × r 4 यानी कि 4 लीटर होगा, 4 लीटर और वाटर मिलाएंगे इसमें। दसवां क्वेश्चन आ जाओ, इन अ मिक्सचर 75 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। देखो 75 लीटर का है, इसमें मिल्क और वाटर किस रेशियो में है, 2:1 में। कहता था अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड, इसमें अमाउंट ऑफ वाटर कितना ऐड कर दें, सो द मेक द रेशियो 1:2, 1:2 हो जाए। सिंपल सी बात, हमें फिर से क्या करना होगा, मिल्क को इक्वल करना होगा क्योंकि वाटर मिलाया है, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी कर दो, इक्वल हो गया ना दोनों। और ये कितना हो गया, ये 1 है और ये 4 है, तो कितना रेशियो ऐड हुआ, 3:1 और इनिशियली 2:1 3, 3:1 था जो कि 75 लीटर था इनिशियल में, है ना, काट दो 25 × 75, 25 आ गया आर का वैल्यू, आर का वैल्यू यहाँ रख दो, 3 × 25, 25 × 75, 75 है क्या आंसर, है ये रहा। इलेवेंथ क्वेश्चन में कहता है कि 2 vessels A and B कंटेन मिल्क एंड वाटर, तो ले लो मिल्क और वाटर, किस रेशियो में भाई, 4:3, कंटेन मिल्क एंड वाटर मिक्सड इन 4:3, तो हमने 4:3 में लिख दिया, ठीक है, ए में। बी में क्या है, यही 2:3 में, तो 2:3 में लिख दिया हमने। कहते हैं द रेशियो इन विच दीज मिक्सचर बी मिक्सड, इनको किस रेशियो में मिलाया जाए, बी मिक्स टू फॉर्म अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग हाफ मिल्क हाफ वाटर, मतलब इन दोनों को मिला के मुझे हाफ हाफ मिल्क हाफ वाटर बनाना है, तो ये तो कट ही जाएगा और रेशियो क्या आएगा, 1:1, ठीक है। देखो अब इसको करने का तरीका क्या होता है, 4 + 3 ऐड कर लो 7, 3 + 2 = 5 और ये 1 + 1 = 2। हमें करना क्या होता है इस क्वेश्चन में, इन दोनों तीनों को इक्वल करना होता है, ठीक है? तो देखो इसको इक्वल करने के लिए क्या करो, एलसीएम ले लो, 70 आएगा तो इसको 10 मल्टीप्लाई करोगे 70 बन जाएगा, इसको कितना मल्टीप्लाई करोगे 14, 7 × 2 = 14, 70 बन जाएगा, और इसको कितना मल्टीप्लाई करोगे 7 × 5 = 35, तो ये भी 70 बन जाएगा, ठीक है, इक्वल कर लिया। अब ये 10 यदि तुमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा, ये 14 तुम्हें यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ भी करना होगा, ये 35 यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा, समझ गए? तो देखो जो ये मिल्क है ए वाले में कितना आ गया 40, तो तुम ऐसे लिखो मिल्क ए में कितना आ गया 40, यही मिल्क बी में कितना आ गया, बी में 14 × 28, और जो दोनों को मिलके बनाइए कितना बना, देखो आंसर में कितना बनाइए, दोनों मिलके ये बना था ना 35, देखो क्या फिर से यही आ गया, दो नंबर ये तीन नंबर जिसमें से ये 35 जो है एक से बड़ा है, इससे बड़ा है और इससे छोटा है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस यहां लिख दो 5, इन दोनों का डिफरेंस यहां लिख दो 7, ठीक है, तो 7:5 आपका आंसर आ गया। यदि आप इससे करते वाटर से तो भी आंसर वही आएगा, मैं करके दिखाता हूं, देखो वाटर ए में कितना है 3 × 10 = 30, वाटर बी में कितना है 14 × 3 = 42, और इसमें कितना दोनों मिला के बना 35, 1 × 35 = 35, माइनस करो यहां लिखो, इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखो, कितना आया 7:5, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज,
हमें इसमें क्वेश्चन में क्या कहा था कि ए बी को किस रेशियो में मिलाएंगे कि हमारा 1:1 आ जाए, हाफ इज टू हाफ मीन्स 1:1। तुम्हें यह भी पूछ सकता है इसी क्वेश्चन का उल्टा, क्या कि हमने क्या किया कि एक ए ले लिया और एक बी ले लिया, ए किस रेशियो में लिया हमने, देखो ऐसे पूछ सकते तुम्हें कि मान लो इसमें तो थोड़ा सा वो था, मिल्क और वाटर सपोज कर लो एक में 2:3 लिया है और दूसरे में सपोज कर लो कह दिया कि 5:1 ले लिया। अब तुम्हें ये पूछेगा कि बताओ यदि मैं दोनों को 3:5 में मिला दूं, इन दोनों को ए और बी को 3:5 में मिलाऊं, तो ये जो मिक्सचर जिसमें हम मिलाएंगे दोनों को वो कौन सा फाइनल मिक्सचर किस रेशियो में आएगा। जो तुम्हें अभी मैंने क्वेश्चन करवाया 11th में उसमें क्या हुआ, ये वाला गिवन था ये निकालना था, अब तुम्हें ये वाला दिया है और ये वाला निकालना है, तो कैसे करोगे, देखो 3 2 ऐड करो 5, 5 1 6, अब तुम्हें ये 5 को 3 लाना है और 6 को 5 लाना है, तो इसको लाने के लिए हम क्या करते हैं पहले इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लेते हैं, तो इससे क्या हुआ ये भी 30 ये भी 30, तो ये कट गया और क्या हो गया 1:1। अब 1 को 3 बनाना बहुत ईजी है, 1 से 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 को 5 के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनली तुमने इसमें 5 में कितना एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया, 6 और 3 18, तो 18 यहां भी मल्टीप्लाई होगा और 18 यहां भी मल्टीप्लाई होगा, यहां पे क्या किया 5 और 5 25, तो 25 यहां भी मल्टीप्लाई होगा और यहां भी होगा, तो ये कितना आ गया 18 2 36 36 25 25 125, तो ये तुम्हारा ऐड करो दोनों मिलके कितना आ जाएगा 6 5 11 1 3 2 5 1 6 और 1 161, और ये कितना आ जाएगा वाटर 18 3 54 54 और ये 25 5 4 9 5 2 7, तो 161 रेशियो 79 आपका आंसर आएगा। यदि हमें क्वेश्चन ऐसा देता है कि हम हमारे पास ए है जिसमें 2:3 है और बी में 5:1 है, दोनों का यदि 3:5 में 3:5 में मिलाएं तो क्या बनेगा रेशियो, तो वो ये बनेगा। तो एक बार तुम्हें ये देके ये पूछ लेगा या फिर तुम्हें ये देके ये पूछ लेगा, ये देके ये पूछेगा, ये दोनों देके ये पूछता है ये वाला, ठीक है, तो ऐसे करोगे जैसे 11th किया, और यदि तुम्हें ये देगा 3:5 और पूछेगा कि ये फाइनल मिक्सचर क्या आएगा, तो जैसे मैंने ये लास्ट वाला किया वैसे बनाओगे, ठीक है। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, द एसिड एंड वाटर इन टू वेसल्स ए एंड बी, देखो ए है और बी है, इसमें एसिड, अच्छा एक में एसिड है और क्या है वाटर है, एसिड वाटर, तो ए में कितना है और बी में कितना है, तो ए में 4:3 है और बी में 2:3 है, समझ गए, कहता है इन वॉट रेशियो शुड द लिक्विड इन बोथ द वेसल बी मिक्स्ड, इनको किस रेशियो में मिलाया जाए, किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो सी में बने, इनको मिलाने पे जो सी बने वो हाफ हाफ हो, हाफ हाफ मीन्स 1:1 इक्वल रेशियो, ठीक है ना, इक्वल कह दे हाफ हाफ कह दे तो इसका मतलब बराबर, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे इन दोनों को पहले ऐड कर लो 7 ये 5 और ये कितना आया 2, ठीक है, अरे ये वही तो नहीं आया 11 और 12 सेम, देखो ये दोनों सेम ही हैं लगभग 4:3 2:3 है, इसमें क्या है ये सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे एसिड और वो बोल दिया है वाटर, वहां पे मिल्क और वाटर बोला था, सेम जैसा 11th क्वेश्चन है वैसे ही होगा, 7:5 आएगा आंसर, ठीक है। नाउ 13th, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया भी हुआ है 2017 या 18 में आपके एग्जाम में आया हुआ है, ए कैन कंटेन अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी, आपके एग्जाम में ये ए भी नहीं था, वहां मिल्क और वाटर लिखा हुआ था, मिल्क और वाटर, तो आप इसको मिल्क एंड वाटर करके कर लो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, बी वाटर है आपका, ठीक है, तो देखो आपके पास क्या कह रहा है, एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क है और वाटर है, किस रेशियो में 7:5 में, ठीक है, मिल्क और वाटर, ये ए मिल्क है और बी वाटर है, ठीक है ना, कहता है इसमें से 9 लीटर निकाल लिया, तो भाई जब 9 लीटर आप निकालोगे तो मैंने आपको बताया है कि जिस रेशियो में मिल्क और वाटर यहां पे है उसी रेशियो में निकलेगा,
जैसे 9 लीटर निकालोगे तो 9 लीटर दूध ही थोड़ी ना निकल जाएगा, या वाटर ही नहीं निकलेगा, मिल्क भी निकलेगा वाटर भी निकलेगा, तो किस रेशियो में निकलेगा, जिस रेशियो में वो है, यानी 7:5 ही निकलेगा, तो मिल्क और वाटर, तो 7×5 = 12 लीटर निकल गया ना, निकालना कितना था 9 लीटर, तो इस 12 को 9 कैसे बनाओगे, 9/12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मिल्क में भी करो 7×9/12, 3×9 = 21, 21/4 आ गया लीटर, मतलब आपने जब इसमें से 9 लीटर निकाला है तो मिल्क कितना निकला 21/4 लीटर, 21/4 लीटर, और फिर से 9 लीटर पानी आपने इसमें मिला दिया, तो टंकी तो फिर से उतना ही भर गया होगा ना, क्योंकि 9 लीटर आपने निकाला तो मिल्क वाटर दोनों निकला और उतना ही वाटर फिर से उसमें भर दिया, ठीक है ना, बी मीन्स वाटर फिर से भर दिया उसमें, तो जब आपने बी वाटर फिर से भर दिया तो ये क्या रेशियो में आ गया, 7:9। अब एक बात देखो, पहले ये कितना था 7×5 = 12 लीटर, अभी कितना है 9×7 = 16 लीटर, लेकिन जब आपने 9 लीटर निकाला और 9 लीटर फिर से पानी भर दिया तो दोनों तो इक्वल होना चाहिए था, तो ये तो डिफरेंट है, तो इसको इक्वल करो, 4 और 3 4 और 3 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 12 और 16 का एलसीएम कितना आता है 48, तो 12×48 3×16 = 48, ये 4 यहां मल्टीप्लाई किया तो यहां भी करो और यहां भी करो, और ये 3 यहां किया तो यहां भी करो और यहां भी करो, तो जो ये जो रेशियो गिवन था ये गलत रेशियो था, अब ये सही रेशियो में आ गया आपके पास, कि पहले ये 28:20 में था, 7×4 = 5×4, और जब आपने 9 लीटर निकाला और 9 लीटर पानी मिला दिया तो ये रेशियो हो गया 21:27। अभी देखो ये मिल्क और ये वाटर, देखो जब आपने निकाला था तो मिल्क भी निकला था वाटर भी निकला था, और जब आपने डाला तो बस वाटर वाटर डाला, तो वाटर के बदले तो वाटर चला ही गया, लेकिन जितना मिल्क कम हुआ होगा, 7:0 मिल्क कम हुआ है, उतना ही वाटर ज्यादा हो गया ना, क्यों, क्योंकि जब आपने 9 लीटर निकाला था तो मिल्क भी निकला वाटर भी निकला, और जब आपने डाला तो 9 लीटर पानी डाला, है ना, तो पानी के बदले तो पानी गया, मिल्क के बदले भी पानी चला गया, समझ गया ना, तो निकला एक्चुअल में क्या 7:0 मिल्क, और जो निकला मिल्क वो कितना 21/4 लीटर, 21/4 लीटर, काटो इसको तो रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो आपसे पूछ रहा है कि पहले ए कितना था, मतलब वाटर कितना था, तो पहले वाटर कितना है दिख रहा है तुम्हें, ये 28 और रेशियो की वैल्यू कितनी 3/4, मल्टीप्लाई कर दो 3/4, तो 4×7 = 28, 7×3 = 21 लीटर। पानी पूछता तो 20 में 3/4 मल्टीप्लाई कर देते रेशियो का वैल्यू, द प्रपोर्शन ऑफ एसिड एंड वॉटर इन 3 सैंपल्स इज दिस वन एंड दिस वन। देखो एसिड है और वॉटर है, किस रेशियो में है, एक में 2:1, एक में 3:2, एक में 5:3। अ मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल क्वांटिटी ऑफ ऑल 3 सैंपल, तीनों के इक्वल क्वांटिटी है, तो इक्वल करो पहले, 3 1, देखो ये 2 1 3 है, ये 3 2 5 है, और ये 5 3 8 है, तो इसको मुझे इक्वल करना है, तो मैं क्या करूंगा, 8×5=40 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, 8×3=24 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, या तुम एलसीएम भी ले सकते हो, 5×3=15 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये कितना आ गया, देखो 4×3=12, 120, 120, 120, तो 40 यहां मल्टीप्लाई किया तो आपको यहां भी करना होगा और यहां भी करना होगा, 24 यहां किया तो यहां भी करना होगा और यहां भी करना होगा, 15 यहां किया तो यहां भी करो और यहां भी करो, कर दिया, तो अब जो रियल में रेशियो आएगा, करेक्ट रेशियो क्या आएगा, पहले में आएगा 40×80:40, दूसरा क्या आएगा 24×72:48, 15×75:45, ठीक है, तो टोटल मिल कितना आ जाएगा, देखना 5×2=7, 7×7=14, 14×7=21, 22, और मिल कितना आ गया, देखना 8×5=13, 4×4=8, 4×8=12, 13, 22:7:133 ये आ गया आपका। तो मिश्रण में पानी और अम्ल, देखो ये गलत कर दिया मैंने, देखो इसने उल्टा कर दिया, पहले इसने हमें बोला एसिड वाटर और पूछा किसका, फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड, देखो कितना बेवकूफ बना दिया इसने, है ना, तो यदि मैं इसको लगा देता तो अभी गलती कर देता, लेकिन मैं देख लिया यहां गलती से मेरा नजर गया कि वाटर और एसिड पूछ रहा है, तो पहले आएगा 133 और फिर 227 ये आएगा आंसर, ध्यान रखना इसका, एग्जाम में ऐसा करता है वो। 15 पे आ जाओ, देखो 3 वेसल्स हुज कैपेसिटी आर इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, देखो 3 बर्तन है जिसमें एक में 3 लीटर आ सकता है कुछ भी, 2 लीटर और 1 लीटर, ठीक है,
फिल्ड विद मिल्क मिक्स्ड विद वाटर, इन तीनों में मिल्क और पानी भरा हुआ है। इस वाले में भी ये ए है, ये बी है, ये सी है। इस 3 लीटर में मिल्क और वाटर दोनों है, मिल्क भी है और वाटर भी है। इसमें भी मिल्क भी है, वाटर भी है, इसमें भी मिल्क और वाटर दोनों मिला हुआ है। तो कह रहा है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर ऑफ वेसल आर, इसमें 5:2 में है, इसमें 4:1 में है और इसमें 4:1 में है। ठीक है, टेकिंग 1/3 ऑफ द फर्स्ट, इसका 1/3 लीटर निकाला, इसका 1/2 निकाला और इसका 1/7 निकाला। अ न्यू मिक्सचर केप्ट इन अ वेसल इज प्रिपेयर्ड, अब जो ये निकाला है इसको एक नए बर्तन में रख दिया। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर, तो न्यू मिक्सचर में वाटर कितना परसेंट होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ दे दिया है, ये क्वेश्चन आपके लेवल में है नहीं, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, करते हैं हम लोग। थोड़ा सा क्वेश्चन ये डिफरेंट है, टफ नहीं है आपको कि डिफरेंट है थोड़ा सा, मतलब इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व है। मतलब मुझे क्या करना होगा, देखो ये 3 लीटर में इस रेशियो में है, ये 3 लीटर में इस रेशियो में, ये 3 लीटर में इस रेशियो में है, ठीक है। अब 1/3 इसका निकालेंगे, 1/3 इसका निकालेंगे, 1/3 इसका निकालेंगे, ठीक है, और फिर उसमें से हमें मिल्क अलग करना होगा, वाटर अलग करना होगा, समझ रहे हो। तो इसमें क्या करो कि ना इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, इससे क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें 1/3 निकालने में इजी रहेगा, ऐसे ऐसे कर दो, कर दिया। अब देखो 3:3 और 5:20 3:2 ये नहीं कर सकते। तो अभी देखो क्या हो रहा है कि ये 30 है, यहाँ ऐसा मत करो, इसको 0 हटाओ, इसको इन देखो ये 3:2:1 है ना, तो हमें इन तीनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं 100 से कर देते हैं। देखो मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ना कि जब मैं इसका 1/3 निकालूँ तो ईजिली निकल जाए, ठीक है। तो इसका 1/3 कितना आएगा 100, यानी 100 तो हमारा ए का निकल गया। इसका 1/2 निकालना है तो 200 का 1/2 कितना आएगा 100, ये बी में से निकल गया। सी में से कितना निकलेगा 100 का 1/7 100/7, ठीक है। अब ए में 5:2 में मिल्क वाटर है, मिल्क और वाटर 5:2 में, तो वाटर कितना निकलेगा भाई, ठीक है, वाटर कितना निकालोगे आप, देखो तो वाटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, 5:2 में है तो 5:2 क्या हो गया 7, उस 7 से रेशियो में हम कैसे तोड़ते हैं, 100 को मुझे 5:2 में ब्रेक करना है, तो मैं क्या करूंगा 5:2 7 से डिवाइड कर दिया, और वाटर कितना है 2:2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यानी वाटर आ जाएगा 200/7, ठीक है। इसमें देखो मैं वाटर क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि वाटर का ही परसेंट पूछा है, मिल्क का पूछा तो मैं मिल्क निकाल लेता। इसमें देखो 200, ठीक है, ये किस रेशियो में है 4:1 में, ये 0 नहीं है सॉरी, तो 4 × 1 = 5 से डिवाइड करो 100 को तो 20, और 20 में 1:1 वाटर का है ना, तो ये तो 20 ही रह जाएगा, ठीक है। और 100/7 में यहां देखो तो ये इसमें क्या है 4:1, तो 4:1 यानी 5 से डिवाइड करोगे तो 20/7 आएगा, और एक ही रेशियो है तो 20/7 में 1 से करोगे तो 20/7 ही आएगा। तो टोटल वाटर देखना कितना आ गया 200/7 20 और 20/7 ऐड करोगे तो कितना आएगा, इसको 7 आएगा यहां, और 200 × 7 = 14 340 और 20 360, इतना है तुम्हारा वाटर। और टोटल आपका मिक्सचर कितना है 100, देखो ये 100 था, ये भी 100 था, ये 100/7 था ना, तो 200 + 100/7 आ जाएगा 7 × 14 = 1500/7, ठीक है ना टोटल। तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हो, नीचे लिखते हो टोटल 1500/7, ऊपर क्या लिखते हो जितना आपका वाटर है, वाटर का परसेंट पूछा ना वाटर, इंटू 100। अब इसे काटो, 7 से 7 गया, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 5 से काटो 3 15 5 × 2 = 10 3 × 3 = 12 × 24 24% is the आंसर, डी इज द आंसर। 16 में आ जाइए, ये क्या कहता है, अ वेसल इज फिल्ड विद लिक्विड, एक वेसल है, एक बर्तन है जिसका 3 भाग पानी और 5 भाग सिरप है। तो हम ले लेते हैं वाटर और सिरप, 3 भाग वाटर 5 भाग सिरप। फिर क्या कहता है, हाउ मच मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन, इसमें से कितना मिक्सचर निकाला जाए, है ना, कितना निकाला जाए, एंड रिप्लेस विद वाटर,
एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, और वाटर से रिप्लेस कर दिया जाए कि हाफ वाटर और हाफ सिरप हो जाए, हाफ हाफ मीन्स 1:1 हो जाए, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, इसमें से ये कह रहा है जितना निकाला है मिक्सचर उतना ही इसमें क्या मिला दिया है, देखो हाउ मच मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस विद वाटर, और फिर उतना ही वाटर मिला दिया। तो भाई यदि ये 5:3:8 है और आपने जितना निकाला, मान लो एक्स लीटर निकाला है, तो एक्स लीटर वाटर मिला दिया, तो ये तो सेम होना चाहिए ना टोटल क्वांटिटी, ये दो है तो यहां 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां भी 4 करो, यहां भी 4 करो, तो आपका फाइनल रेशियो देखो करेक्ट रेशियो क्या आएगा कि वाटर और सिरप क्या है 3:5। इसमें बाद में किस रेशियो में आ गया, 4:4, ठीक है। देखो जब आपने ये एक्स लीटर निकाला था तो इसमें क्या क्या गया था, निकला क्या क्या था, वाटर और सिरप दोनों निकला था, वाटर और सिरप, और फिर आपने वाटर ही उतना भर दिया, तो वाटर के बदले तो वाटर चला ही गया लेकिन सिरप के बदले भी वाटर चला गया, तो देखो इसलिए सिरप जितना कम हुआ, 1:1 सिरप कम हुआ है और वाटर उतना ही ज्यादा हो गया, तो फाइनली निकला क्या, सिरप निकला ना, तो सिरप निकला 1:1, कितने रेशियो में से, 5:5 में से, तो 1/5 आपका जो है मिश्रण निकला है, सो 1/5 इज द आंसर, समझ गए। तो 16 क्वेश्चन ये था, जितने टाइप के आए हुए क्वेश्चन आपके हमने आपको करवाया, आप आरएस अग्रवाल किरण चैप्टर वाइज या जो सगीर अहमद, मैं माजिद हुसैन जिसको कह रहा हूं ना, माजिद हुसैन नहीं एक्चुअली मैं सगीर अहमद, सगीर अहमद, ये 3 बुक है, 3 में से किसी से आप बना सकते हो, ठीक है, करो, जो क्वेश्चन नहीं आए व्हाट्सएप कर दो, यहां से आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।